गुजरात के कच्छ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पाकिस्तानी युवती के प्यार में पागल हुए महाराष्ट्र के युवक ने कच्छ जिले में बॉर्डर पार करने की कोशिश की। फिर क्या था, कच्छ में तैनात बीएसएफ जवानों ने इस युवक को धर दबोचा। दरअसल ये युवक महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला जीशान सलीम सिद्दीकी अपने घर से 11 जुलाई से गायब हुआ था, जिसके बाद जीशान की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिससे ये जानकारी साफ हुई कि युवक की पाकिस्तान में किसी नंबर से लगातार बात हो रही है। जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तब उन्होंने जीशान को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करने पर यह मालूम चला कि वो कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास है। उस्मानाबाद पुलिस ने आनन फानन में कच्छ पुलिस को इत्तला किया। रण एरिया में जो तहकीकात की तो उसमें वो लड़के के स्टेप्स 4 किलोमीटर जितने अंदर रण में आ रहे थे, आगे भी उसको ट्रेस किया। फिर बीएसएफ की मदद लेके ये लड़का अभी कल शाम को हमें खावड़ा पुलिस स्टेशन की हद से 1055 पिलर नंबर के पास से बीएसएफ को मिला है। और अभी खावड़ा पुलिस स्टेशन से हमारी एसओजी की टीम ने उसका पोजीशन लिया है और खडीर में उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इंट्रोगेशन की जाएगी। और बाद में महाराष्ट्र पुलिस जब अभी आने के लिए निकल गई है, उनको अगली लीगल प्रोसीजर के लिए सौंपा जाएगा। प्राइमरी उस्मानाबाद पुलिस के पास से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कोई किसी लड़की के साथ फेसबुक पे कांटेक्ट में था और उसकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी और उसके मिलने के लिए वो यहाँ से रण से निकलने वाला था, ऐसी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है। कच्छ पुलिस ने जब जीशान को ढूंढने की कोशिश की तब उन्हें महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाली एक लावारिस बाइक मिली। सीमा पर दलदल होने की वजह से बाइक छोड़ वो पैदल ही बॉर्डर पार करने निकल पड़ा था। जब रन में रास्ता भटक गया तब कहीं बॉर्डर के पास बीएसएफ के हाथ लगा। फिलहाल पुलिस जीशान से पूछताछ कर रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही जानकारी हासिल हो पाई है कि महाराष्ट्र से ये युवक अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए निकला था। गोपी घांगर के साथ ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।